हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके लास्ट टाइम पे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। तो इस टाइम पे अभी जो लास्ट टाइम बचा है, जैसे कि आपका 14 जून को एग्ज़ाम है और आज आपका 7 जून हो चुका है, तो अभी मान लीजिए छः दिन बचे हैं आपके पास, तो इनमें आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे क्या है कि आपको पता है एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न तो सबको पता ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आ रहा है, तो सारा ही आपका 40-40 मार्क्स का आ रहा है। तो आप इस टाइम पर क्या कर सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है, जितना सिलेबस हो गया है उसको रहने दीजिए, अब सिलेबस के पीछे मत भागिए। अभी इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा हो सके आप MCQ सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मतलब आप जितना कर सकते हैं ना उतना कर लीजिए इस टाइम पे, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उनका ही आगे दिखता है स्कोर, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर लास्ट टाइम पर आपने प्रिपरेशन करना छोड़ दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जितना टाइम बचा है अभी इसमें आप जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए। और जैसे जो लोग सोच रहे हैं ना कि अभी सिलेबस बचा है, तो सिलेबस मत पढ़िए अभी इस टाइम पे। जो आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उन MCQ से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, उनसे रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको खुद ब खुद टॉपिक का आइडिया हो जाएगा। और अगर आप MCQ लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी कुछ लोग होंगे जिनका सबसे ज़्यादा फिजिक्स में एकदम समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या करें क्या करें, तो फिजिक्स में आप बेसिक लेवल के MCQ सॉल्व कीजिए, और आपका जो जैसे कि आपके जो भी फार्मूला है वो आप फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स में, मोस्टली थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं पर फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, फिजिक्स में सारे फार्मूलाज को लर्न कर लीजिए। केमिस्ट्री का भी सेम है, केमिस्ट्री में आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके जो भी फार्मूलाज हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, एंड आप जितना ज़्यादा हो सके MCQ सॉल्व कीजिए। और इंग्लिश का तो वही आपकी बेसिक ग्रामर है, जो आपका जैसे वोकैबुलरी पोर्शन हो गया, आर्टिकल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। और बचा आपका बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड। देखिए बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो आपका बायोलॉजी है और नर्सिंग एप्टीट्यूड है, दोनों लगभग सेम ही है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल सेम है, बायोलॉजी में भी बिल्कुल सेम है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा अगर इस टाइम पे फोकस करेंगे तो क्या होगा कि आपका बायोलॉजी भी कवर होगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी कवर होगा। तो आप लोग बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, GK हो गया, इन तीन सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा अगर टाइम दे सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीन सब्जेक्ट्स पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वेटेज सबका इक्वल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फिजिक्स ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, बट ये सब्जेक्ट ऐसे हैं ना कि इनमें अगर आप पढ़ेंगे तो आप स्कोर कर सकते हैं, फिजिक्स में आप उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे उतना टाइम देके, जितना आप बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में अगर आप टाइम देंगे उतना तो आप उससे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो लास्ट टाइम पे यही सजेशन है मेरा आप लोगों के लिए कि आप लोग जितना ज़्यादा MCQ हो सकते हैं सॉल्व कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे दिन में एटलीस्ट आप 200 तो MCQ सॉल्व कीजिए, जिससे कि एक पेपर जितना तो आप कर ही लें, और अगर आप और ज़्यादा कर सकते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आप 50-50 या फिर 70-70 MCQ सॉल्व कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक्स को रीड कर सकते हैं। और अगर टाइम बच रहा है तो आप लोग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने बताए भी हैं एक वीडियो में, तो आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के कवर कर सकते हैं। और लास्ट टाइम पे जो आपको प्रिपरेशन करनी है मोस्टली आपको MCQ की ही प्रिपरेशन करनी है, बाकी जो आपका बचता है ना, जैसे कि आपको 14 तारीख को एग्ज़ाम है, तो जो भी आपके टॉपिक्स आपको सही लग रहे हैं समझ में आ रहे हैं वो टॉपिक्स एक बार पढ़ लीजिएगा जाने से पहले। और आप लोग ज़रूरी नहीं है कि बुक से ही सॉल्व करें, आप लोग यूट्यूब वीडियोस इतने अच्छे अच्छे इस टाइम पे तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हैं, आप लोग उनको देख के बहुत ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कहाँ से देखें, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किन किन चैनल्स को फॉलो करना है, वो लोग अभी इस टाइम पर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं भी अपने चैनल पर बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, आप लोग को अगर मेरी बायोलॉजी समझ में आ रही है तो आप लोग मेरी बायोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं, बाकी मैं कुछ चैनल्स बता रही हूँ, इन लोग का
आएगा तो आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि मेरे टाइम पे भी मैंने इन लोग से थोड़ा बहुत पढ़ा था, बाकी और भी वीडियोस देखी थी मैंने, थोड़ी सेल्फ स्टडी भी की थी, मेरे पास बुक्स थी 2-3। तो मैं अभी आपको चैनल्स बता रही हूँ, उन चैनल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। एक मिनट, यूट्यूब पे आना है सबसे पहले आपको। यूट्यूब पे आपके 2-3 चैनल मैं आपको बता रही हूँ, इन 3 चैनल्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले एक ये चैनल है एडिट्यू करके, ये चैनल, इस पर जो पढ़ाती हैं ना वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनके जो पढ़ाए हुए वीडियोस हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और एक ये शिवम उपाध्याय का चैनल है, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। देन ये आपका बेसिक्स फॉर ऑल, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनसे नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ सकते हैं। और सीट इन नीट चैनल ये है, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग इन चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार मैं आपको सारे चैनल्स खोल खोल के दिखा दे रही हूँ तो आपको सर्च करने में आसानी होगी। ये एक शिवम उपाध्याय का चैनल है, इस पर आप पढ़ सकते हैं। फिर एक ये है एडुटी, इस पर भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। फिर ये एक बेसिक्स फॉर ऑल है, इस पर आप बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। देन ये एक और चैनल है सीट इन नीट, इनका मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता है, बट आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मुझे जो समझ में आए वही आपको समझ में आए, तो ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो। देन अब आते हैं हमारे, आप मेरे चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आना तो आप इनमें से किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अच्छा चैनल पता है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए और वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। देखो मैं बस यही चाहती हूँ कि सब लोगों का अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। बाकी इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद था कि आप लोग लास्ट टाइम पर कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो देखो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल सकती हैं जो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, काउंसलिंग के टाइम पे भी और एडमिशन के टाइम पे भी, एग्ज़ाम के टाइम पे भी। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।